हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1। ये वर्कशीट हिंदी सब्जेक्ट के क्लास 6 के लिए। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये 10 सितंबर की वर्कशीट है, यानी आज की वर्कशीट है ये। मैं चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि के रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर भूड़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। ये मैं कविता के पहले 2 पैरा दिए गए थे आपको पढ़ने के लिए, तो चलिए इसका समझने की कोशिश करते हैं। वह चिड़िया जो कविता के कवि है, इस कविता के कवि कौन है? श्री केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि इनका मन उस नीली चिड़िया के समान है जो दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव और आनंद से खा लेती है। ये चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह छोटे नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है। वह पुराने घर वन में जाकर मधुर गीत गा लेती है, एकांत में वह उमंग से भरी हुई, उसे जंगल से बहुत लगाव है। लिखा है विजन से बहुत प्यार है, उसे जंगल से बहुत प्यार है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वह चिड़िया जो कविता के कवि का नाम बताइए। अब आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, वह चिड़िया जो कविता है आपके फर्स्ट चैप्टर की, उसके कवि का नाम बताना है। तो कवि का नाम आप लिखेंगे श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। आप यहाँ लिखेंगे श्री केदारनाथ अग्रवाल जी, अग्रवाल जी आपको ऐसे ही लिखना है। मैंने एक लिख दिया, बाकी आप खुद ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें वन वर्ड आंसर है, वर्कशीट में ही सारे आंसर है, तो आपको वर्कशीट से ही आंसर बता दूँ मैं। चिड़िया को कैसा अनाज खाना पसंद है? तो चिड़िया को दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव और आनंद से खाना पसंद है। तो आप ये लिखेंगे दूध से भरे अनाज के कच्चे दान, बस आप इतना लिखेंगे, चिड़िया को दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को खाना पसंद है। तो आप ये लिखेंगे। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चिड़िया कहाँ जाकर मधुर गीत गा लेती है? तो लिखेंगे पुराने घने वन में। तो चिड़िया पुराने घने वन में जाकर मधुर गीत गा लेती है। और क्वेश्चन है, चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? तो चिड़िया के पंख नीले है। तो आप यहाँ लिखेंगे नीले, आप नीले लिखेंगे यहाँ पे। 5th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। चिड़िया की तरह हमें भी संतोषी क्यों होना चाहिए? अब हमें भी संतोष क्यों रहना चाहिए? आपने पैरा में पढ़ा था ना, तो मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ, क्योंकि इसका आंसर बड़ा आप लिख नहीं पाओगे। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। तो इसका आंसर है, हमें नीली चिड़िया के जैसे संतोषी होना चाहिए, क्योंकि संतोष में रहने से हम शांत स्वभाव के रह पाते हैं और हमारे मन में विचलित नहीं होता, जिससे हम खुश रह पाते हैं और जो कुछ हमारे पास होता है हम उसमें खुश हो जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो चलिए वर्कशीट पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं आज की वाई पूरी वर्कशीट कम्प्लीट हो गई है। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको आगे की वीडियोस भी अभी डाल दूँगी, जिससे आपको इजी रहे और काम करने में। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेरी वीडियो को लाइक करना बच्चों, ठीक है बच्चों, बाय।